टीवीएस कंपनी के गाड़ियों के लिए एचएसआरपी प्लेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। अदर भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में ऑर्डर योर एचएसआरपी सर्च करना होगा। देन आपके सामने www.orderyourhsrp.com की इंटरफेस आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑनलाइन एफटीए यहां पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन इस तरह का पेज ओपन होगा, अबाउट अस, ट्रैक एचएसआरपी स्टेटस, रीप्रिंट इनवाइस। अगर आपने पहले से बुक कर रखा है तो यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आता है ऑर्डर योर एचएसआरपी नाउ, आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहां पे व्हीकल, ओल्ड व्हीकल एचएसआरपी किट, ये आपको रहने देना होगा। देन यहां पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट में यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। अभी यहां पे चार स्टेट आपको शो हो जाते हैं। देन उसके बाद व्हीकल मैन्युफैक्चरर में जो भी कंपनी की गाड़ी होगी आप यहां पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे फिटमेंट लोकेशन, डीलर, उसके बाद होम फिटमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अभी डीलर अपॉइंटमेंट आप क्लिक करेंगे तो आपको डीलर के पास जाके नंबर प्लेट फिट करवानी पड़ेगी। देन यहां पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे। उसके बाद डीलर एचएसआरपी सेंटर यहां पे आ जाता है, जो भी आपकी नज़दीकी होगा आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर में यहां पे गाड़ी नंबर डाल के व्हीकल चेचिस नंबर में पूरा चेचिस नंबर डाल दीजिएगा। इंजन नंबर यहां पे डाल दीजिएगा इंजन नंबर में। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर ये डेटा मैच कर जाता है तो ये आगे का पेज आ जाएगा यहां पे। अब यहां पे आता है एंटर योर व्हीकल डिटेल्स, आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाता है आपकी गाड़ी का। उसके बाद यहां पे व्हीकल टाइप पे आप क्लिक करके जो भी आपकी गाड़ी होगी यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम मोटरसाइकिल यहां पे सेलेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद व्हीकल क्लास यहां पे आपको ऑटो सेलेक्ट आ जाता है, प्राइवेट, पेट्रोल। देन उसके बाद यहां पे इंजन टाइप भी यहां पे ऑटो सेलेक्ट होके आ जाता है। आपको यहां पे रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर नेम, गाड़ी जिसके नाम से होगी अभी प्रेजेंट टाइम में, वो आपको यहां पे डाल देना होगा आरसी में जो लिखा होगा। उसके बाद यहां पे आपको पिन कोड डाल देना होगा, जो कि आपकी आरसी में होगा, वही से आपको स्टेट यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी आरसी में लिखा होगा। देन यहां पे आप यहां पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अभी यहां से आपको डिटेल्स फिल करके सिंपली यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहां पे आपको एड्रेस, अपॉइंटमेंट, डेट, यहां पे आपको अपना एड्रेस डाल देना होगा जो कि आरसी में लिखा होगा। यहां पे दोनों में एड्रेस आपको, जैसे यहां पे विलेज डाल दीजिएगा, यहां पे आपको पोस्ट डाल देना होगा। उसके बाद यहां पे लैंडमार्क डाल दीजिएगा, सिटी डाल दीजिएगा। देन उसके बाद यहां पे आपको अपॉइंटमेंट डेट, चूज अपॉइंटमेंट स्लॉट, यहां पे आपको क्लिक कीजिएगा। देन उसके बाद यहां पे चूज अपॉइंटमेंट आप डेट आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहां पे आपका कैलेंडर शो हो जाता है, यहां से अपने हिसाब से जो अपनी डेट यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहां पे दिसंबर में जो आपको अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे हम डेट जो है सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद चूज अपॉइंटमेंट स्लॉट यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे टाइमिंग अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको शो हो रही है, जिस हिसाब से आप अपना टाइमिंग चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे एचएसआरपी फी ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर दिख जाता है, एचएसआरपी अकाउंट दिख जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डिटेल आप मैच कर लीजिएगा एक बार। सारा डिटेल अगर आपका सही होता है सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे चार्जेस दिख जाता है आपको, यहाँ पे रेट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे पेमेंट मोड आपके पास आ जाता है, यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, और आप चाहें तो यहाँ पे यूपीआई कोड से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। अभी यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, डेबिट कार्ड से करने के लिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डाल देना होगा, उसके बाद यहाँ पे मंथ डाल देना होगा, कार्ड में जो एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे डाल दीजिएगा, ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीवीवी डाल के आपको कार्ड होल्डर नेम डाल देना होगा जो कि कार्ड में लिखा होगा। उसके बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। पेमेंट हो जाने के बाद अब इस तरह की एक रिसिप्ट आ जाती है, आपको इसको सिंपली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा। अब फ्रेंड्स, गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट फिट करवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट के दिन डीलर के पास गाड़ी की आरसी, रिसिप्ट और गाड़ी लेके वहां पे जाना होगा। देन वो आपकी गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट फिट कर देगा, वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते तो आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।